राजस्थान में चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे पर हमलावार होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आंतरिक कलह की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल बनाने में जुटी है, तो वहीं पार्टी में आपसी खींचतान का दौर भी देखा जा रहा है। अब हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन भ्रष्टाचार के मामले से बचने के लिए पार्टी में आए हैं और चोर नंबर एक हैं, और वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करेंगे। अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट नंबर एक है, इसके मुकदमे चल रहे हैं आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो, ये है प्रमाण मेरे जिसके इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल पार्टी में आया, धीरे धीरे एमपी बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया। मैं इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, पीएम मोदी ने अर्जुन को कानून मंत्री बनाया जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर मुझे सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। मैं सच बोलने से नहीं डरता। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि भाई तुमने जिसको मंत्री बनाया वो कानून मंत्री, और जो सर भ्रष्टाचार में लिप्त, अब सत्ता तो भ्रष्टाचार के लाखों रुपए का, गरीब अनुसूचित जातियों के लोगों को भी नहीं छोड़ा, इसके हर एक से पैसे खाए, और अब सर इसे बचने के लिए भ्रष्टाचार से राजनीति में आ गया और आगे बढ़ गया। जिस समय कलेक्टर था उससे भी लाखों रुपए के बल भ्रष्टाचार किया, जिसके मुकदमे आज भी चल रहे। अफसर के पद पर काबिज रहने के दौरान भी अर्जुन राम मेघवाल ने कई भ्रष्टाचार किए, इसके मामले अब तक चल रहे हैं। कैलाश मेघवाल ने बगावती तेवर भी दिखा दिए हैं और कह दिया है कि इस बार भी शाहपुरा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र से उन्हें 36 कौम का साथ मिल रहा है, उन्हें टिकट भेज दिया जाना चाहिए और वो उसके लिए दिल्ली या जयपुर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मैं यहीं रहकर चुनाव लड़ूंगा और टिकट नहीं मिलता है तो क्षेत्र की जनता जो कहेगी वो करूंगा।